Today we are going to calculate the moment of inertia of a uniform solid cylinder about its own axis. Its mass is m and radius is r. This is the part 11 of the moment of inertia. So before this there are 10 parts which you can see which are uploaded on the YouTube channel. So today we are going to calculate the moment of inertia of a uniform solid cylinder about its own axis. सबसे पहले देख लेते हैं ओन एक्सिस किसको बोल रहे हैं. तो ओन एक्सिस इज अबाउट वाई वाई डैश एक्सिस की बात हो रही है. ठीक है, अबाउट वाई वाई डैश एक्सिस की. ये देखो यहाँ पे ये दो मैंने पिक्चर्स दिखा रखे हैं सॉलिड सिलेंडर के. इसमें यहाँ पे वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश एक्सिस है. ये देखो वाई वाई डैश एक्सिस, ठीक है, ये दिखाया हुआ है. इसके अबाउट दिस द ओन एक्सिस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर. इसके अबाउट हमको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो ये दोनों सॉलिड सिलेंडर्स में, इस पहले सिलेंडर में मैं कुछ बातें बता देता हूँ. उसके बाद फर्स्ट विल नो द बेसिक्स ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर एंड देन विल प्रोसीड फर्दर. ठीक है, तो आई विल शो यू द सॉलिड सिलेंडर. दिस इज सॉलिड सिलेंडर विच आई हैव मेड बाई कॉइंस, सिक्कों से इसको मैंने बनाया है सॉलिड सिलेंडर को समझने के लिए. ठीक है, तो ये जो सॉलिड सिलेंडर है बच्चों, ये इसका जो बेसिक ऑब्जेक्ट है जिसे ड्राइव हुआ है दैट इज डिस्क. ये देखो डिस्क, डिस्क से बना हुआ है. ठीक है, तो डिस्क जो है इसका बेसिक ऑब्जेक्ट है जिससे कि हम लोग सॉलिड सिलेंडर को बनाया है हमने. ठीक है, तो सॉलिड सिलेंडर इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क. दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग. अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क को एक के ऊपर एक ऐसे रख देंगे, एक के ऊपर एक, देन इट विल बिकम योर सॉलिड सिलेंडर. ये सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा ऐसे रख देंगे एक के ऊपर एक, तो इट विल बिकम सॉलिड सिलेंडर. और इसमें क्या है, हर डिस्क का जो रेडियस है, एवरी रेडियस ऑफ द डिस्क इज कॉन्स्टेंट. यहाँ पे हम उसको आर ले रहे हैं. देखो इसका भी रेडियस सेम रहेगा, इसका भी रेडियस सेम रहेगा. तो r इज द रेडियस ऑफ दिस डिस्क. सो बेसिकली द सॉलिड सिलेंडर इज मेड अप ऑफ डिस्क. डिस्क उसका जो है बेसिक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो विद दिस नाउ विल प्रोसीड फर्दर. अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया दैट आई विल गिव यू इन ब्लैक एंड व्हाइट सो दैट यू कैन मेक योर नोट्स. सो यहाँ पर मैं आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने बता दिया इसको. मैं इंपॉर्टेंट चीज थिंग्स आई विल हाईलाइट इन दिस. ठीक है, तो जस्ट आई विल रीड फॉर यू and things I will highlight also. देखो note the following. अभी जो मैंने बताया उसमें इन चीजों को note करना है. The solid cylinder is derived from the basic object that is disc. ये इसका basic object क्या है, disc है. यहाँ पे आप देखो ये मैंने एक disc यहाँ पे cut करके निकाल रखी है cylinder के अंदर first figure में. ठीक है, ये red color का दिख रहा है अंदर, यहाँ पे this is disc. और second point is when infinite disks are kept over each other, ठीक है, each other they make or form a solid cylinder. वो solid cylinder बना देते हैं. ठीक है, and the third point is the radius of every disk is same, that is r. ठीक है, radius r है, वो दिख रहा है आपको figure में, and which is constant. This is important. तो radius जो है r, that is constant. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि हर disk का radius जो है same रहेगा. ये disk है, इसका radius सेम रहेगा, वही रेडियस क्या रहेगा, सॉलिड सिलेंडर का भी रहेगा. तो आर इज कॉन्स्टेंट, आर इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, दिस आर द थ्री पॉइंट्स. ठीक है, अब हम लोग यहां पे सेकेंड पॉइंट को सॉलिड सिलेंडर में देखते हैं. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. When infinite disks are kept over each other, तो पहला एक disk यहाँ पे है. Now I'll make another disk in this solid cylinder. यहाँ पे ले लेते हैं एक disk. ठीक है, एक नया इसके अंदर एक और disk ले लिया. इसी के नीचे भी एक disk रहेगा. ठीक है, that also we can make. So it is made up of infinite numbers of disk. This solid cylinder. ये देखो. और इसका रेडियस आर है. तो पॉइंट टू आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर. ये ऐसे नंबर ऑफ डिस्क, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क रहेंगे जिससे कि ये सॉलिड सिलेंडर फॉर्म होगा, है ना, एक के ऊपर एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क व्हेन वी आर कीपिंग इट
द सॉलिड सिलेंडर विल बी फॉर्म्ड। सो ये क्लियर हो गया हमारा थ्योरी पार्ट। नाउ विल गो फॉर द डेरिवेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो उसमें क्या स्टेप्स है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सेकेंड फिगर में एक फ्रेश डिस्क बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्क ले लेता हूँ, कट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका जो रेडियस है ये लेते हैं आर, और ये वन स्मॉल डिस्क का मास हम ले रहे हैं डीएम। ध्यान से देखो इसका डिस्क का मास क्या है, डीएम है, और पूरे डिस्क का मास कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, ठीक है। एम इज द मास ऑफ द पूरे, जो एम दिया है कैपिटल एम, इट इज द मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। ये पूरे सॉलिड सिलेंडर का मास क्या है, टोटल मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर कैपिटल एम है। यहाँ पे मैंने दिखाया कैपिटल एम, और दिस डिस्क जो अभी मैंने कट किया है इसका मास है स्मॉल डीएम, ठीक है। एट द रेडियस ऑफ दिस डिस्क इज आर। तो विद दिस विल डू द डेरिवेशन। तो फर्स्ट स्टेप विल बी, विल टेक द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। वी नो दैट, पहले क्या लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क इज आई इज इक्वल टू क्या रहता है, हाफ एम मास ऑफ द डिस्क एंड रेडियस ऑफ द डिस्क का स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट रहता है, हाफ एम आर स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन वन। वी नो दैट, व्हाट वी नो, वी नो दैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को, इक्वेशन वन के फॉर्मूले को ध्यान रखे, हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डिस्क लिया स्मॉल डिस्क जिसका कि मास डीएम है और रेडियस तो सेम है आर, उसका हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नोट डाउन करेंगे। नाउ विल से द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल डिस्क, इसको मैं बोलूंगा, ठीक है, जिसको कट किया मैंने, एलिमेंटल डिस्क अबाउट वाई वाई डैश एक्सिस। ये कौन एक्सिस है, मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया अभी, वाई वाई डैश एक्सिस क्या रहेगा, आई, आई क्या हो जाएगा, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई विल बी इक्वल टू हाफ, एंड यहाँ पे मास कितना है बच्चों, डी एम है, तो एम की जगह क्या लिख देंगे, डी एम लिख देंगे, और रेडियस तो सेम है तो विल राइट आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन टू। अब हम लोग क्या करते हैं, एज यूजल टू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर, है ना, पूरे सॉलिड सिलेंडर का निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग ऐड कर देंगे, मीनिंग विल इंटीग्रेट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन टू, ठीक है। तो विल इंटीग्रेट इक्वेशन टू बोथ साइड। तो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जस्ट वन मिनट, यहां पर मैं लिखता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एम वाई से मैं लिख रहा हूं। पहले हमने क्या लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल डिस्क अबाउट वाई वाई डैश एक्सिस, तो यहां हो गया डी आई इज इक्वल टू हाफ डी एम स्क्वायर। अब नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट वाई वाई डैश एक्सिस, ठीक है। अभी हमने वाई वाई डैश एक्सिस को मैंने क्या बता रखा है, ओन एक्सिस जो जिसके अबाउट हमको कैलकुलेट करना है, दैट इज नथिंग बट वाई वाई डैश एक्सिस। तो इसके अबाउट कभी भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट लेते हैं, ये कंटिन्यूस बताते चला आ रहा हूँ। तो अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर का हमको लेना है, तो इक्वेशन टू को विल इंटीग्रेट बोथ साइड, सभी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क विल एड अप। तो इसको इंटीग्रेशन लगा दिया डी एम आर स्क्वायर इक्वेशन टू से, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी आई, वी नो दैट इट इज नथिंग बट आई, और यहाँ पे देखो हाफ और आर स्क्वायर मीन्स आर दोनों कांस्टेंट है, आर मैंने बताया ऊपर एक्सप्लेन किया, देखो यहाँ पे लिखा भी है आर इज कांस्टेंट, ठीक है, रेडियस कांस्टेंट है, ये देखो
आर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, हाफ को बाहर लेते हैं और आर स्क्वायर को इंटीग्रल के बाहर ले लेते हैं, हाफ आर स्क्वायर लिखा, इसको इंटीग्रल के बाहर लिया और अंदर रह गया इंटीग्रल के डीएम रह गया, ठीक है। अब तो बहुत ईजी हो गया, अब कुछ नहीं है इसमें, इंटीग्रल ऑफ डीएम हम पढ़ते चले आ रहे हैं। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ डीएम, देखो इंटीग्रल ऑफ डीएम इज वी आर एडिंग ऑल स्मॉल ऑल मासेस ऑफ द डिस्क, सभी डिस्क के मास को ऐड कर देंगे, तो सभी डिस्क के मास को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सॉलिड सिलेंडर का जो टोटल मास है, टोटल मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर जिसको हमने एम लिख रखा है ऊपर, जो दिया हुआ है एम, वो मिल जाएगा सभी डीएम को, इसके इस डीएम को ऐड किया, इस डीएम को ऐड किया, यहाँ पे डीएम को ऐड किया, सभी को ऐड करेंगे तो विल गेट द टोटल मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसको, एम इज द टोटल मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो इंटीग्रल डीएम की वैल्यू कितनी हो गई, इंटीग्रल डीएम इज नथिंग बट कैपिटल एम, तो इस वैल्यू को जो है हम लोग यहां से इंटीग्रल डीएम की जगह लिख देंगे एम इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं आई इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर और इसकी वैल्यू है कैपिटल एम, दैट इज द टोटल मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। अब यही हमारा आंसर हो गया, इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लेते हैं, पहले एम लिख लेंगे बाद में आर स्क्वायर लिख लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज हाफ एम, पहले लिखा बाद में आर स्क्वायर लिख लिया, इज हाफ एम आर स्क्वायर एंड दिस इज आवर आंसर। इसको आपको यू हैव टू रिटेन इन द मेमोरी बिकॉज इसको डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज हाफ एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आया हाफ एम आर स्क्वायर जो मैंने यहाँ पे डिस्क का बता रखा है, ये देखो ये डिस्क का है ना हाफ एम आर स्क्वायर, सो बोथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर सेम, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ एम आर स्क्वायर वही हमारा आया सॉलिड सिलेंडर का डेरिवेशन से हाफ एम आर स्क्वायर, सो दिस वी हैव टू कीप इन द माइंड, ठीक है, याद रखना है। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिस्क का लिया हुआ है ये किस एक्सिस के अबाउट लिया है, ये लिख देता हूं मैं, दिस इज अबाउट एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, जो कि यहां पे सेम केस है, थ्रू द जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो विथ दिस वी हैव डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सॉलिड सिलेंडर विच इज हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। एक इसका क्विक रिकैप करते हैं सो दैट क्लैरिटी विल बी मोर। सबसे पहले मैंने क्या किया, आपको मैंने सब दिखाया कि दिस इज द सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर है जिसको मैंने क्वाइन से बना रखा है, सिक्कों से, और ये किससे बना हुआ है, इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्क है, और ये डिस्क का रेडियस सभी जिसका रेडियस आर है विच इज कॉन्स्टेंट। तो विद दिस थ्री थिंग्स वी हैव प्रोसीडेड फर्दर और हमने देखा उसको थ्योरी फॉर्म में, यहाँ पे मैंने आपको नोट्स भी दे दिए, और उसके बाद हमने सिलेंडर के अंदर आपको डिस्क कट करके दिखा दिया जिसका मास एम है, रेडियस आर है और वाई वाई डैश एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो एक स्मॉल डिस्क ले लिया जिसका मास हमने स्मॉल मास डीएम ले लिया और उसका रेडियस ऑब्वियसली विल बी आर विच इज कॉन्स्टेंट। उसके बाद हमको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हमको मालूम है आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर होता है, इसमें एम की जगह मैंने डीएम लिख दिया और आर स्क्वायर इज सेम आर स्क्वायर, दिस इज द स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंटल डिस्क निकल गया। इस एलिमेंटल डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको जब हम इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड देन विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, इंटीग्रल डीएम की वैल्यू कितनी रख दी हमने, टोटल मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर जो है कैपिटल एम वो रख दिया, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लें और हम लोग इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा थ्योरी और देख लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं दिखला रहा हूं आपको, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको, क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं,
यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको देख लो, ये क्या है बच्चों, अभी हमने देखा दिस इज डिस्क, ठीक है, दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच दिस सॉलिड सिलेंडर इज डिराइव्ड, सॉलिड सिलेंडर को हमने डिराइव किया है। यहाँ पे देखो मास डिस्क का कितना है, एम है, रेडियस आर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है जो दिख रहा है आपको, ये लाइन, ठीक है, यहाँ पे इसके अबाउट यहाँ आई देता हूँ। सेम मास जो है आपका सॉलिड सिलेंडर का भी है और रेडियस भी सेम है सॉलिड सिलेंडर का, और इसका भी रोटेशन जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अनचेंज्ड, सेम है। तो विद दिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमको मिलता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू रहता है दोनों का, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वही सॉलिड सिलेंडर का रहेगा। तो जो डिस्क से हमने जो सॉलिड सिलेंडर बनाया इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क को एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद, ठीक है, उसके हमने थिकनेस को जब बढ़ा दिया, जब डिस्क से सॉलिड सिलेंडर बन गया, तो उसका उस समय जो मास था, मास एम और रेडियस आर वही था जो डिस्क का था, एम और आर, और एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अबाउट है दैट इज ऑल्सो अनचेंज। तो हमको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है आई दैट इज एम आर स्क्वायर बाई टू, दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन हियर। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं, ठीक है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ये थ्योरी पार्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लो, यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ, दिस इज डिस्क एंड दिस इज सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो इसको मैं जस्ट आई रीड वंस एंड एक्सप्लेन ऑल्सो वॉट आई हैव एक्सप्लेन्ड, सेम थिंग इज हियर इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो देखो, वी नो दैट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स मास, ये तो हमको मालूम ही है, इसके पहले भी हमने बताया रखा है, एज वेल एज इट्स मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसके अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देयर आर सेवरल ऑब्जेक्ट्स, किस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा है, सेवरल ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच कैन बी डिराइव फ्रॉम द बेसिक ऑब्जेक्ट, बेसिक ऑब्जेक्ट क्या कौन सा है, डिस्क है, ये डिस्क इज द बेसिक ऑब्जेक्ट, बाय चेंजिंग देयर डायमेंशंस, यहां पर आप देख रहे हो डायमेंशंस चेंज हो गए हैं। इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, इफ वी इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द डिस्क, जो मैंने बताया, इट बिकम्स ए सॉलिड सिलेंडर, द एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द डिराइव्ड ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो रिमेन द सेम एज डिस्क दैट इज एम आर स्क्वायर बाय टू, दिस एक्सप्रेशन विल रिमेन सेम एम आर स्क्वायर बाय टू। तो अभी इसको नीचे रेड में समराइज कर दिया है, we can say that if size of a body in any or all dimensions is increased, ठीक है, any or all dimensions is increased in such a way that its mass distribution about given axis of rotation remains same, then the expression of moment of inertia also remains same. तो moment of inertia का जो expression रहेगा I is equal to mr square by 2, that will also remain same. So with this today we have completed the calculation of a uniform solid cylinder about its own axis, ठीक है, ये cylinder का जो axis है y y dash इसके about हमने calculate कर लिया, और this was the part 11 of the moment of inertia. So in a very solid way today we have learned the solid cylinder moment of calculated the moment of inertia of the solid cylinder. So next lecture में again there is a solid thing only, which is calculation of the moment of inertia of a solid sphere, ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।